ये जो पहाड़ी है ना फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए यहाँ पे, इस पर भी सर्दियों में बहुत फूल आते हैं। इसे पहाड़ी बोलते हैं, मुझे इंग्लिश में इसका नाम पता नहीं है। और ये अपराजिता, इस पर भी सफ़ेद फूल आ रहे हैं। छोटी सी बेल है लेकिन काफ़ी सारे फूल आए। और आज मैं जा रही हूँ मंदिर, चलिए आपको भी लेकर चलती हूँ। तो मैं यहाँ मंदिर आई थी और ये मंदिर आके बहुत ज़्यादा सुकून मिला। फर्स्ट टाइम आई थी जहाँ मैं आई हूँ फ्रेंड्स, वहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर खेत है। और ये पता है आम के झाड़ है, ये है ना, ये आम का पेड़ है। और इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े नीम के पेड़ हैं वहाँ तक। और सबसे बेस्ट ये कि देखिए इस तरह रोड पे आम के इतना बड़ा झाड़ है ये। और ये दूसरा कोई आम नहीं है, केसर आम है। ये रहा वहाँ है, फिर ये यहाँ है अंदर की तरफ है। और सबसे ज़्यादा वो सरगवा बोलते ना, ड्रम स्टिक, उसके भी बहुत सारे यहाँ पेड़ है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही ग्रीनरी और सब एकदम, मतलब इतनी 12 बजे लेकिन फिर भी ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ इस तरफ। काफ़ी दिनों से मंदिर जाने का मन था, टाइम सेट ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज जल्दी झाड़ू पोछा हो गया तो मंदिर भी जाकर आई और सारे काम। फिर एक शॉप पर गई तो वहाँ पर मुझे ड्रेस बहुत पसंद आ गया तो वो भी लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ। मस्त ब्लैक कलर का ड्रेस है ये रहा, बहुत ही सुंदर है। और ये जो इसका वर्क है ना, इसका दुपट्टा बिल्कुल ऐसा है, इस तरह का है। और मैंने पहले पूरा एक ब्लैक लिया था, इस तरह से ये पूरा अनारकली ड्रेस है। और वो फिर मतलब पुराना हो गया था तो वापस मेरा मन था कि एक ब्लैक कलर का अच्छा ड्रेस लूँ, पर पसंद नहीं आ रहा था। और आज मुझे ये जैसे ही खोला, लेने तो गई थी हैवी ड्रेस, मतलब वर्क वाला और ऐसा फेस्टिवल टाइप, लेकिन वो कुछ जमे नहीं, क्योंकि जो फ्लावर प्रिंट वाले निकले वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मुझे कुछ हटकर अच्छा चाहिए था, लेकिन वो तो चलो नहीं मिला। लेकिन ये ब्लैक कलर का बहुत ही सुंदर ड्रेस मुझे मिला, जो मुझे कब से चाहिए था। फिर जाते जाते वही मेरे बचपन के जो पापा लेकर आते थे हमारे प्याज के वड़े, तो उनका चलो अब शॉप आई हूँ यहाँ पे तो फिर वड़े भी लेकर ही जाती हूँ, तो वो भी लेकर आई। और गरम गरम वड़े तो बहुत ही टेस्टी बनाते, और ये बिल्कुल वैसे बनाते जो हम लोग छोटे थे बचपन में और पापा लेकर आते थे हम लोगों के लिए, वैसे बिल्कुल टेस्ट। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो हम बचपन में खाते वो हमारे मुँह में उसका स्वाद रह जाता है, तो वैसे वाला टेस्ट कभी नहीं मिलता। उसके तरह मिल सकता है लेकिन उसके जैसा नहीं मिलता। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जो हम खाते थे ना वैसा, मतलब सेम टू सेम टेस्ट, वैसा ही खाने के बाद देखने में बिल्कुल वैसे। तो ये रहे प्याज के वड़े, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये गरम गरम ऐसे ही, मतलब इसके साथ चटनी सॉस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा है इसको देख कर ही, ऐसे ही मतलब खाओ तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गरम गरम की तो इसकी मतलब बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, और एकदम थोड़े से स्पाइसी से होते हैं, खा के मतलब मुँह में पता चले कि हमने कुछ खाया है। वैसे वाले बहुत टेस्टी है। तो आज मैं चाह रही थी, वो सारा काम हो गया, बस अभी लगाऊंगी मम्मी को फ़ोन, बात करूंगी मम्मी के साथ थोड़ी देर, हलचल पूछ लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। ब्लू कलर छे ना, बॉय नो कलर छे, ब्लू कलर डार्क डार्क नहीं लाइट कलर छे, स्काई ब्लू छे ना। तो कोई ये कलर पसंद नहीं आया। और हेलो प्रत्यक्ष, अतु छे ना, अतु वो दो टिफिन टूट गए थे, इसकी ये जो साइड की पट्टी होती है ना वो गिर जाते तो टूट जाती है दोनों का। अथू का मतलब शॉर्ट ब्रेक का टूट गया था और ध्रुवी का लॉन्ग ब्रेक का टूट गया था, दो तीन दिन से टूट गया था, फिर नहीं जा गए लेने के लिए, आज टाइम था तो हम लेकर आए। बनाऊंगी अभी खाना, क्या खाना बनाऊँ ये सोचूँ पहले, तो क्या बनाऊं और उसके बाद बनाना स्टार्ट करूंगी। रोहित को थोड़ी खांसी हो गई तो उसके लिए हल्दर वाला दूध बनाया, हल्दर वाला दूध पीने से खांसी कम हो जाती है और थोड़ी राहत रहती है, तो बनाया
भी थोड़ा पिएगी नींद में से उठ के हल्दी वाला दूध। और मैं बनाऊंगी खाना, क्या खाना बनाऊं पहले तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, किसको क्या अच्छा लगेगा, क्या बनाए, सबको पसंद आना चाहिए वैसा खाना बनाना पड़ता है, तो क्या खाना बनाऊं। ले आई ले ले दूध ले ले। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे आज जमाने के, मैंने सोचा चलो पहले बर्तन जमा लेती हूँ फिर सुबह वापस सारे इतने फिर खाना बनाना होता है। कल तो सैटरडे नहीं बनाना खाना को, और बच्चों की भी स्कूल में छुट्टी है कल तो, लेकिन मैं सोचा चलो अभी कढ़ी बन रही है, उबल गई है कढ़ी बन गई है, खिचड़ी भी बन गई है तो बनाना मैगी अपने लिए। बस मैं सोचा चलो मैं बर्तन लगा लेती हूँ, अभी टाइम है तो सारे बर्तन लगा लूँगी अभी ये सारे इतने, और फिर कपड़े भी समेटने बाकी है फिर समेटूँगी कपड़े, उसके बाद फिर खाना खाने में तो अभी काफ़ी टाइम है तो आराम से खाना खाऊंगी, तब तक ये सारे काम कर लेती हूँ मैं। पहुँच पहुँच के सारे बर्तन लगा देती हूँ, ये दुपट्टे मैंने अपने ड्रेस के ऐसे सॉफ्ट दुपट्टे आते ना, मैं उनको ये बर्तन पहुँचने में चिमनी पहुँचने में इन सब में यूज़ करती हूँ, ये सॉफ्ट कपड़े से एकदम बर्तन भी एकदम मस्त पहुँच जाते हैं। ये देखो छोटा मास्टर सेफ अपनी मैगी बना रहा है, और मैंने बनाई है अपने लिए कढ़ी मस्त एकदम तीखी और बहुत सारी लहसुन डाल के। आज बहुत ज़्यादा थका थका सा लग रहा है, और ये कढ़ी रोटी चूर के भी खाओ ना तो भी बहुत टेस्टी लगती है, बाजरी की रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, पर मैंने अभी फ़िलहाल इसके साथ खाने के लिए बनाई है खिचड़ी, और थोड़ी खिचड़ी ऐसे ही रखूँगी, थोड़ी खिचड़ी बघार रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च डाल के। बाहर का मौसम बहुत मस्त है एकदम, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर आके सोच रही 4-5 चक्कर लगाऊं फिर जाऊंगी अंदर, आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था सोचा चलो 5-6 चक्कर लगा ही लेती हूँ बाहर, और उसके बाद जाऊंगी ऊपर कपड़े लगाऊंगी, कपड़े समेट दिए तो बस, और टिफिन विफिन लेकर आए बच्चों के, टूट गए थे ध्रुवी के टिफिन टूट गया था, अतु के लिए भी एक एक्स्ट्रा ले लिया, और ये सपिंद्रा आज नया ड्रेस लेकर आई और ब्लैक कलर का, किरण को भी लेने हैं तो शायद हम लोग संडे को जाएंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, और कल भी बाहर जाएंगे, बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हम लोग मिलके, तो कल बाहर जाएंगे साथ में थोड़ा घूम के आएंगे। बस तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते नए ब्लॉग के साथ, अगर आज की व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।